हेलो एवरीवन, वेलकम बैक क्लास 11th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम इज़ द फोर्थ चैप्टर इन क्लास 11th बायोलॉजी। थर्ड चैप्टर जो आपका प्लांट किंगडम है उसको सिलेबस से हटा दिया गया है बिकॉज ऑफ द COVID-19। ओके, तो अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका एनिमल किंगडम है। सो इन द केस ऑफ द एनिमल किंगडम वी विल लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। वाई द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन इज देयर। आप क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है आपकी, ये आपको पता है। बिकॉज अ लॉट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, और हर एक की आपका स्पेसिफिक आपकी स्टडी क्या है आपकी पॉसिबल नहीं है। तो क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है, हमें आपका अगर हम एक ऑर्गेनिज्म का आपका स्टडी करते हैं तो हमें एलिमेंट्री आइडिया मिल जाता है आपका बाकी के जो उसके मेम्बर्स हैं। ओके, सो द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है, आपका बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। सो बेसिस कहने का मतलब है आपका मेन करैक्टरिस्टिक्स, किन करैक्टरिस्टिक्स को आपका क्लासिफिकेशन के लिए आपका बेसिस की तरह क्या किया गया है, आपका यूज़ किया गया है। यानी कि कौन कौन से ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपका यूज़ किया जाता है आपका एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस केस द फर्स्ट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द सेल। पहला क्या है आपका, सेल्स का अरेंजमेंट। सेल्स आपका फ्रीली अरेंज्ड है आपकी, या आपका टिश्यू के फॉर्मेशन में है, या फिर आपका ऑर्गन के फॉर्मेशन है, या फिर आपके ऑर्गन सिस्टम के फॉर्मेशन में है। तो दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट, यानी कि जो सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। यानी कि वो सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे है या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे है, ऑर्गन सिस्टम। ओके, एंड द सेकंड इज द बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कहने का मतलब है आपका क्या होता है आपका, कि हम बॉडी को आपका दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसी को आपका बोला जाता है आपका सिमेट्री। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द सिलोम। सिलोम आपका ट्रू सिलोम है आपका, स्यूडो सिलोम है आपका, या ए सिलोम है, यानी कि आपका सिलोम प्रेजेंट है या नहीं है। सो व्हाट इज़ द सिलोम। सिलोम क्या होता है आपका, सिलोम इज़ द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय द मेसोडर्म। जो सिलोम आपका पर्टिकुलर टर्म है उसका मीनिंग होता है आपका बॉडी कैविटी, और ऐसी बॉडी कैविटी जो आपका मेसोडर्म के थ्रू क्या हो रही है, आपकी लाइंड हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का पैटर्न क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है आपका, ठीक है, और आपकी जर्म लेयर्स कितनी है, दो जर्म लेयर्स हैं या फिर आपकी तीन जर्म लेयर्स हैं। एज वी नो दैट देयर आर द थ्री जर्म लेयर्स, मेनली आपका जो जर्म लेयर्स के जो नंबर होते हैं वो आपके मैक्सिमम थ्री होते हैं आपका, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो वो कह रहा है आपका डिप्लोब्लास्टिक है या आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि दो जर्म लेयर के साथ हैं या फिर आपका थ्री जर्म लेयर्स के साथ हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले हम आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सो इन द केस ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर द फोर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कितने होते हैं आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के, आपके जो लेवल होते हैं वो कितने होते हैं आपके, फोर होते हैं। द फर्स्ट इज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन द केस ऑफ द सेलुलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वट हैपन, द बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ द मैनी सेल्स बट द सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यू। यानी कि जो बॉडी होगी वो आपकी बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बनी होगी, लेकिन जो सेल्स होंगी आपकी वो अरेंज होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। एंड दिस टाइप ऑफ द बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन द स्पॉन्जेस। ये किस में पाया जाता है आपका, स्पॉन्जेस में पाया जाता है आपका। सो द सेल्स सो द सम डिविजन ऑफ लेवर बट कोऑपरेट लिटिल विथ वन अनदर, आर रिमार्केबली इंडिपेंडेंट एंड कैन चेंज देयर फॉर्म एंड फंक्शन। तो क्या होता है आपका, बॉडी आपकी बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बनी हुई है, और जो सेल्स हैं आपकी वो क्या है, आपकी जो सेल्स हैं आपकी वो क्या करती हैं आपका, कुछ अमाउंट में क्या करती हैं आपका, डिवीज़न ऑफ लेवर भी क्या करती हैं आपका शो करती हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या करती हैं आपका, वो बहुत कम क्या करती हैं आपका, कोऑपरेट करती हैं। यानी कि वो एक दूसरे से क्या होती हैं आपका, इंडिपेंडेंट होती हैं आपका, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, और ईजिली क्या कर सकती हैं अपने फंक्शन को, अपने फॉर्म को क्या कर सकती हैं आपका, चेंज कर सकती हैं। एंड दिस टाइप ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन द स्पॉन्जेस। एंड द सेकेंड वन इज द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल कहने का मतलब क्या हो गया आपका, वैन द सेल्स अरेंज टू ईच अदर। जब आपकी सेल्स क्या होंगी आपकी, टिश्यू लेवल में क्या होती हैं आपकी, जो आपकी सेल्स होती है यानी कि जो बॉडी होती है आपकी, वो मल्टी सेलुलर बॉडी होगी, और जो सेल्स होंगी आपकी वो आपका लेयर्स में या टिश्यूज़ में क्या हो जाएंगी आपकी, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी। यानी कि या तो टिश्यू बना देंगी, यानी कि लेयर्स का फॉर्मेशन कर देंगी, टिश्यू के फॉर्म में आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। यानी कि एक जो लेयर होगी, एक जो टिश्यू होगा, उसकी सेल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी आपकी, डिपेंडेंट होंगी। एंड दिस टाइप ऑफ द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन द सिलेंट्रेट्स। ये किस में पाया जाता है आपका, निडेरियंस, सिलेंट्रेट्स और निडेरियन में आपका पाया जाता है। इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या आपका, हाइड्रा। इसका प्रॉपर एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, हाइड्रा हो सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट हैपन इन द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
द बॉडी, बॉडी में जो आपका जो बॉडी है, द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ द ऑर्गन्स, यानी कि जो बॉडी का फॉर्मेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, आपका ऑर्गन्स की हेल्प से होगा। और वो ऑर्गन्स किसके हेल्प से बनेंगे, आपका बहुत सारे टिश्यू आपस में क्या हो जाएंगे, आपके एग्रीगेट हो जाएंगे और एक आपका पर्टिकुलर ऑर्गन बना देंगे। इस तरह से आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन आपके पाए जाएंगे। तो एक ऑर्गन में जितने भी टिश्यू होंगे वो एक दूसरे के ऊपर आपके डिपेंडेंट होंगे आपके, ठीक है। इस तरह से बॉडी का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है। एंड दिस टाइप ऑफ द लेवल इज फाउंड इन द प्लैटी हेलमिंथीज, और ये किस में पाया जाता है, आपका प्लैटी हेलमिंथीज में पाया जाता है आपका, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल। फोर्थ क्या है आपका, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जो कि ह्यूमन्स में भी पाया जाता है, आपका हायर एनिमल्स में पाया जाता है। वट इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल, जैसे आपके ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलकर के बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, देन दिस टाइप ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। एंड दिस इज फाउंड इन द हायर एनिमल्स सच एज द ऑर्थोपोड्स, और उसके बाद के जितने भी एनिमल्स होते हैं आपका, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे फिशेज हों, चाहे आपके बर्ड्स हों, एवीज बर्ड्स यानी कि एवीज हों, आपके रेप्टाइल्स हों, उन सब में क्या होता है, आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपका, पाया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द बॉडी सिमेट्री। अब हम बात करते हैं किसकी, आपका बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं। तो बॉडी सिमेट्री के बारे में जानने से पहले पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि सिमेट्री क्या होता है आपका। सिमेट्री कहने का मतलब होता है आपका, सिमेट्री रिफर्स टू द सिमिलैरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी, यानी कि आपका हम बॉडी के पार्ट्स को आपका क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, अगर उनमें सिमिलैरिटीज होगी आपका एक दूसरे के जो अपोजिट बॉडी साइड्स हैं, तो इसको ही क्या बोला जाएगा, आपका सिमेट्री बोला जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, सिमेट्री रिफर्स टू द सिमिलैरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। सो ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी सिमेट्री द ऑर्गेनिजम्स आर मेनली ऑफ द टू टाइप्स, द फर्स्ट इज द सिमेट्रिकल एंड द सेकंड वन इज द एसिमेट्रिकल। पहले कैसे होते हैं आपके सिमेट्रिकल होते हैं, दूसरे कैसे होते हैं आपके एसिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल कहने का मतलब है व्हेन द एनिमल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जब आपका एनिमल की बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगी, तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाएगा, आपका सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बोला जाएगा। एग्जाम्पल आर द ह्यूमन, स्टारफिश, हाइड्रा एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, जो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज द रेडियल सिमेट्री, यानी कि रेडियल सिमेट्रिकल पहले हो गया आपका, और जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी, आपका रेडियल सिमेट्री होगी। वट इज द रेडियल सिमेट्री, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ द सिमेट्री इन विच द ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से दैट द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स बाय वन प्लेन ऑफ डिवीजन। इसमें क्या होता है, बाय एनी प्लेन ऑफ डिवीजन, इसमें क्या होता है आपका, जो ऑर्गेनिजम्स है आपका वो बहुत सारे प्लेन ऑफ डिवीजन से आपका दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बस उन प्लेन ऑफ डिवीजन को आपका सेंट्रल पॉइंट से क्या होगा, आपका गुजरना होगा। एक तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, आपका ऑर्गेनिजम्स कैन, व्हेन ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन ऑफ डिवीजन गोइंग फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस आर नोन एज द रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स एंड दिस टाइप ऑफ द सिमेट्री इज कॉल्ड द रेडियल सिमेट्री। जैसे आपने स्टारफिश को देखा, स्टारफिश को हम कहीं से भी कट कर ले, लेकिन वो आपका दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, आपका डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हो गया, आपका रेडियल सिमेट्री हो गया, ठीक है। तो हो गया आपका रेडियल सिमेट्री, क्या हो गया आपका, व्हेन द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन ऑफ डिवीजन गोइंग फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। ओके, तो हाइड्रा हो गया आपका, स्टारफिश हो गया एग्जांपल। सेकंड इज द बायलेटरल सिमेट्री, दूसरी आपकी बायलेटरल सिमेट्री, और जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे आपके। सो इन दिस केस एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन ऑफ डिवीजन। अब इसमें क्या होगा, केवल एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन से आपका जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ डिवीजन है आपका, उससे आपका बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, अदरवाइज किसी भी आपका किससे आपका प्लेन ऑफ डिवीजन से बॉडी आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकती, केवल लॉन्गिट्यूडनल से डिवाइड होगी। ऐसा नहीं कि ट्रांसवर्स से भी हो जाएगी आपका, और क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल जो हो गया आपका, ठीक है, बाइसेक्ट करने वाले से हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, केवल आपका जो हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे करके जो लाइन आएगी और जो सेंट्रल एक्सिस से जाएगी, उसी से बॉडी आपका दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो सकती है, आपका डिवाइड हो सकती है। ऑल द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, यानी कि जो ये सिमेट्री होगी आपका सर से लेकर के कहाँ तक जाएगी, आपका पैरों तक जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द सेकंड टाइप ऑफ द एनिमल्स आर द एसिमेट्रिकल एनिमल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एसिमेट्रिकल, एज द नेम इंडिकेट्स, बॉडी इज नॉट डिविजिबल इनटू द टू इक्वल हाफ्स, बॉडी आपका दो इक्वल हाफ्स में कैसे भी डिवाइड नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल हो गया आपका अमीबा, स्पॉन्जेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, थर्ड आपका जो बेसिस है वो हो गया आपका नेचर ऑफ द सिलोम। व्हाट इज द सिलोम, सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी, यानी कि क्या होता है आपका सिलोम का मीनिंग क्या होता है, आपका बॉडी कैविटी। इट मीन्स दैट सो द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मीजोडम, यानी कि ऐसी बॉडी कैविटी जो आपका मीजोडम से लाइन होती है, उसी को क्या बोला जाता है, आपका सिलोम बोला जाता है।
एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सिंड्रोम द एनिमल्स आर ऑफ द थ्री टाइप्स. इसके बेसिस पे आपके एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, आपके तीन तरह के होते हैं. द फर्स्ट इज द सिलोमेट. सिलोमेट्स मीन्स द एनिमल्स विच कंटेन द सिलोम, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें आपका ट्रू सिलोम क्या होता है, आपका ट्रू बॉडी कैविटी आपकी पाई जाएगी, यानी कि ऐसी बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मिजोडम, जो आपका मिजोडम से क्या होगी, आपकी लाइंड होगी. एग्जाम्पल हो गया आपके एनिलीडा, मोलस्का, कॉर्डेट्स, ये सारे के किसके एग्जाम्पल हैं, आपके सिलोमेट्स के हैं. सिलोमेट्स यानी कि एनिमल विद द ट्रू बॉडी कैविटी, एनिमल्स विद द ट्रू सिलोम. ओके, नाउ सेकंड वन इज दैट स्यूडोसिलोम्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्यूडोसिलोम. स्यूडो मीन्स होता है आपका फॉल्स. जो स्यूडो टर्म होता है इसका मतलब क्या होता है, आपका फॉल्स. सो इट मीन्स दैट इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट. बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होगी बट इट इज नॉट लाइंड बाय द मिजोडम. लेकिन ये आपका मिजोडम से क्या नहीं होगी, आपकी लाइंड नहीं होगी. सो दिस टाइप ऑफ द बॉडी कैविटी, जिस एनिमल में इस टाइप की बॉडी कैविटी आपकी पाई जाएगी, दैट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द स्यूडोसिलोमेट्स. उनको क्या बोला जाएगा, आपका स्यूडोसिलोमेट्स बोला जाएगा. स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, सिलोमेट्स यानी कि सिलोम रखने वाले, यानी कि जिनकी बॉडी में आपका फॉल्स सिलोम होगा आपका, यानी कि ऐसा सिलोम यानी कि ऐसी बॉडी कैविटी होगी जो आपका मेसोडर्म से लाइन ना होकर के आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होगी, आपके पैचेस के फॉर्म में क्या रहेगी, आपकी स्कैटर्ड रहेगी. एग्जाम्पल हो गया आपका एस के हेलमिंथीस. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आपका एस के हेलमिंथीस. ओके, नाउ द थर्ड टाइप दैट इज द ए सिलोमेट. ए मीन्स विदाउट सिलोमेट्स, यानी कि सिलोम, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में कोई भी सिलोम नहीं होता है, चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, कोई भी सिलोम आपका एबसेंट रहेगा, दैट टाइप ऑफ द एनिमल्स आर नोन एज द ए सिलोमेट्स. इनको क्या बोला जाता है, आपका ए सिलोमेट्स बोला जाता है. एंड द एग्जाम्पल आर द प्लैटी हेलमिंथीस. इसके एग्जाम्पल क्या है, आपके प्लैटी हेलमिंथीस हैं. सो दिस इज द जो आपके ये क्या है, सारे आपके करेक्टरिस्टिक फीचर हो गए, आपके बेसिस हो गए आपके क्लासिफिकेशन की. आज की वीडियो में इतना पढ़ते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन.